कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं गाइडलाइन में लॉकडाउन की बात नहीं की गई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से हुई मौतों को लेकर दिल्ली के शमशान घाटों पर चिताओं को जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए अब जगह तक नहीं बची है। भारत द्वारा एक बार फिर से चीनी ऐप बैन किए जाने पर चीन भड़क गया है। चीन ने भारत के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। बता दें कि भारत अब तक करीब 267 चीनी ऐप पर बैन लगा चुका है। मोदी सरकार ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में FDI को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। चक्रवाती तूफान निवार को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में खतरा अभी भी मंडरा रहा है। दोनों राज्यों में NDRF की टीमें सतर्क हो गई हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों को बिना किसी कारण घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। पीएम मोदी ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल का समय सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का जीता जागता इतिहास जुड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिजाज आज भी लखनवी ही है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाय ने आज CM योगी से मुलाकात की। वे कल गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे प्रदेश में ESMA लागू कर दिया है। इसके चलते अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरण आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। पंजाब के 2 लाख किसानों ने धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देने के लिए हरियाणा सीमाओं को सील कर दिया गया है। बता दें कि किसान नए कृषि कानूनों, बिजली संशोधन बिल और पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।